क्या आप सुकैम फाल्कन प्लस के 6 स्टेज बैटरी चार्जिंग के बेनिफिट्स जानते हैं? ये फीचर हमारी बैटरी की लाइफ कम से कम 6 महीने बढ़ा देता है। इसको आप ऑर्डिनरी इन्वर्टर के 3 स्टेज बैटरी चार्जिंग से कंपेयर करेंगे तो आपको बेनिफिट साफ साफ नज़र आएंगे। आमतौर पर नॉर्मल इन्वर्टर में सिर्फ 3 स्टेज की बैटरी चार्जिंग होती है। पहला है बल्क चार्ज, एब्जॉर्प्शन स्टेज और फ्लोट स्टेज। फाल्कन प्लस में 6 स्टेज बैटरी चार्जिंग है। पहला डीसल्फेशन, सॉफ्ट स्टार्ट, बल्क चार्ज, एब्जॉर्प्शन स्टेज, इक्वलाइजेशन स्टेज और फ्लोट स्टेज। नॉर्मल इन्वर्टर में चार्जिंग की शुरुआत बल्क चार्ज स्टेज से होती है। मेंस फेल की कंडीशन में लोड बैटरी से चल रहा है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मेंस अवेलेबल होने पे नॉर्मल इन्वर्टर बल्क चार्ज से फुल चार्ज पे बैटरी चार्जिंग की शुरुआत करता है, जिससे बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे बैटरी ओवरहीट हो जाती है और बार बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी धुआं भी निकलना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। डीसल्फेशन स्टेज में फाल्कन प्लस सल्फेट क्रिस्टल्स को बैटरी प्लेट पर से हटाता है। इसके लिए हाई वोल्टेज और लो करंट माइक्रोपल्सेस के थ्रू पास किए जाते हैं। डीसल्फेशन स्टेज में बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर भी कम होने लगता है, जो कि आपके बैटरी के लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सॉफ्ट स्टार्ट स्टेज में फाल्कन प्लस लो करंट और लो वोल्टेज से बैटरी चार्जिंग की शुरुआत करता है, जिससे बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। बल्क चार्ज स्टेज में फाल्कन प्लस हाई वोल्टेज और प्री डिफाइंड करंट में फुल चार्ज देता है। इस स्टेज में बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, पर कभी भी ओवरहीट नहीं होता। नॉर्मल इन्वर्टर के एब्जॉर्प्शन स्टेज में कॉन्स्टेंट हाई वोल्टेज और डिक्रीजिंग करंट से बैटरी की स्लो चार्जिंग होती है और बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है, लेकिन बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर अभी भी बढ़ा हुआ होता है। फाल्कन प्लस के एब्जॉर्प्शन स्टेज में आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहती है और आउटपुट करंट धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन आखिरी के 20% धीरे धीरे चार्ज होती है, पर ओवरचार्ज और ओवरहीट से सेफ रहती है। फाल्कन प्लस के इक्वलाइजेशन स्टेज बैटरी की लॉन्ग लाइफ और एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टेंट यूज़ में इलेक्ट्रोलाइट का सल्फ्यूरिक एसिड नीचे कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, जिससे बैटरी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में मिक्स होना बैटरी के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। फाल्कन प्लस में हम हाई वोल्टेज और कॉन्स्टेंट करंट की सप्लाई बैटरी में देते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और पानी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर में इक्वलाइजेशन स्टेज नहीं होता, जिससे एसिड और पानी मिक्स नहीं होते और बैटरी की चार्जिंग और एफिशिएंसी पे काफ़ी फर्क पड़ता है। नॉर्मल इन्वर्टर के फ्लोट स्टेज पे बैटरी की चार्जिंग चलती रहती है, जिससे बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर हाई रहता है। फाल्कन प्लस फ्लोट स्टेज में थोड़ी थोड़ी देर में लो वोल्टेज और लो करंट से बैटरी को ट्रिकल चार्ज करता है और बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है।